Ian, you can start. Please reply in the question box. Good afternoon, all of you. Can you hear me? We can start. Mr. Dheeraj, Mr. Rakesh, Mr. Aditya, please reply. Can you hear me? Are you all able to see my screen? Okay. So BDL हम लोग ने short लिया था morning के webinar में. इसमें आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आया होगा. 505 का लो बनाया इसने. 523 में शॉर्ट दिया था BDL. एनीवन टेकन ट्रेड? टाटा कंज्यूमर ने लो बनाया 737 का. ये भी मैंने आपको शॉर्ट दिया था 757 के आसपास. टाटा कंज्यूमर MCX भी हम लोगों ने शॉर्ट ट्रेड लिया था, याद है? मुथूत में ट्रेड नहीं लिया, MCX ट्रेड लिया, टाटा कंज्यूमर लिया, BDL लिया. ये तीनों में आपको प्रॉफिट आया होगा. यस और नो प्लीज रिप्लाई. एनीवन टेकन ट्रेड? एमसीएक्स शॉर्ट दिया था, उसमें प्रॉफिट आ रहा है. एमसीएक्स हम लोग ने शॉर्ट लिया था 15, एक मिनट, कितने रेट में शॉर्ट लिया था एमसीएक्स हम लोगों ने? 1507 में शॉर्ट लिया था. 1485 का लो बनाया. बीडीएल में शॉर्ट लिया था, इसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट आया. 523 में शॉर्ट किया था और टाटा कंज्यूमर 757 में शॉर्ट किया था. एनी वन टेकन ट्रेड मेड प्रॉफिट? प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स. तीन ट्रेड दिया है, तीनों में प्रॉफिट आया है और एक मैंने आपको मिड कैप काउंटर दिया, ये वाला बाय ट्रेड, ये भी प्रॉफिट में ही है. 748 में बाय दिया है, 751 चल रहा है. तो टोटल चार ट्रेड दिए, चारों में आपको प्रॉफिट आ रहा होगा. यस और नो प्लीज रिप्लाई. मिस्टर आदित्य, मिस्टर राकेश, मिस्टर विशाल, कैन यू हियर मी? प्लीज रिप्लाई. चार ट्रेड दिया, चारों में प्रॉफिट आ रहा है. टाटा कंज्यूमर में प्रॉफिट आया होगा. मिस्टर कृष्णा चंद अरवानी, मिस्टर कैलाश परेरा, बीडीएल में प्रॉफिट आया होगा, एमसीएक्स में प्रॉफिट आया होगा. प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स. यस प्लीज रिप्लाई इन द क्वेश्चन बॉक्स. कितने लोगों ने कौन सा ट्रेड किया? बीडीएल शॉर्ट दिया था, एमसीएक्स शॉर्ट दिया था, टाटा कंज्यूमर शॉर्ट दिया था, तीनों में आपको प्रॉफिट आया होगा. तीनों ट्रेड में काफी अच्छा प्रॉफिट आया, करेक्ट? ओके. ये वाला मिड कैप वाला ट्रेड दिया, ये ओपन है. ये वाला मिड कैप ट्रेड दिया, ये ओपन है, क्वेस्ट वाला, ठीक है? 748 में बाय दिया हुआ है, 751 का प्राइस है. अच्छा, मैंने एक बैंक निफ्टी का वीकली स्ट्रेटजी भी दिया है. हैव यू सीन दैट मैसेज? मिला वो बैंक निफ्टी का वीकली स्ट्रेटजी भी दिया है, करेक्ट? उसमें मार्जिन कुछ 5-6 लाख के आसपास लगेगा, 5-6 लाख रुपीस इतना मार्जिन लगेगा उसमें. यस, वो थोड़ा बड़ा स्ट्रेटजी है, उसका सिनारियो बनाओगे तो आपको समझ में आएगा. काफी बड़ा रेंज आता है और 24,000 के आसपास प्रॉफिट आता है उसमें. मैक्सिमम प्रॉफिट 24,000 के आसपास आता है, बट इट्स अ सेफ स्ट्रेटजी है, बड़ा रेंज है, सेफ स्ट्रेटजी है. अच्छा, मॉर्निंग में, मॉर्निंग के वेबिनार में मैंने आपको क्लियरली बोला कि निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं. निफ्टी शॉर्ट शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना, ये क्लियरली बोला. यस और नो? मैंने आपको क्लियरली बोला था बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करना, बट निफ्टी शॉर्ट कर सकते हैं. निफ्टी आपको याद होगा 17,670 का मैंने आपको लेवल भी बताया था, याद है? देखो आवरली चार्ट पे मैंने आपको ये लेवल भी ड्रॉ करके दिया था. ये लेवल जैसे ही ब्रेक किया, देखो 100 पॉइंट का फॉल आया ऑलमोस्ट. ये यहां से लेके यहां तक 570, कितना, 585 का लो बनाया. ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का फॉल है, 70-80-90 पॉइंट्स का फॉल है ऑलमोस्ट. ये मैंने आपको लेवल भी बताया था, करेक्ट? निफ्टी में शॉर्ट कर किया होगा तो आपको प्रॉफिट आया होगा. यस यस, प्रॉफिट रेंज बैंक निफ्टी वाली स्ट्रेटजी का प्रॉफिट रेंज बड़ा आ रहा होगा मिस्टर पीवी मूर्ति, और भी बढ़ाएगा. एक मिनट, प्रॉफिट रेंज आएगा उसका 37,800 से, करेक्ट, 40,600 तक आएगा मिस्टर पीवी मूर्ति, 40,600 तक आएगा.
यस, 6 लाख के, 5 लाख 80 थाउजेंड के आसपास मार्जिन है मिस्टर आंसर। 5 लाख 80 थाउजेंड के आसपास मार्जिन है, 5 लाख 80 हजार अप्रोक्सीमेटली उसी के आसपास है। आपके ब्रोकर के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है। यस, अलाइज ब्लू में आप ट्रेड करोगे, 5 लाख 80 थाउजेंड है अलाइज ब्लू में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो, करेक्ट। सिनारियो बना लो एक्सेल शीट में तो आपको समझ में आएगा कि क्या प्रॉफिट रेंज है। प्रॉफिट रेंज उसका है 37,800 से लेके 40,600, ये इतना बड़ा रेंज है। अभी बैंक निफ्टी चल रहा है 39,150, यानी ऑलमोस्ट हम लोग 1500 पॉइंट प्लस 1500 पॉइंट माइनस ये रेंज कवर कर रहे हैं 10 फरवरी तक के लिए, एक हफ्ते के लिए। उसमें बीच में सैटरडे संडे आएगा तो टाइम वैल्यू और मिलेगा। इज दैट पार्ट क्लियर? सिनारियो बनाओगे तो आपको समझ में आएगा उसमें क्या। नहीं, स्क्रीन फ्रीज नहीं है, स्क्रीन तो रिफ्रेश है, स्क्रीन तो रिफ्रेश हो रहा है, स्क्रीन फ्रीज नहीं है। सिनारियो बना लो तो आपको समझ में आएगा उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है। 24,000 के आसपास मैक्सिमम प्रॉफिट है। अच्छा, बीडीएल में रिमूव कर दूं, बीडीएल में प्रॉफिट आ चुका, बीडीएल में रिमूव कर रहा हूं। टाटा कंज्यूमर में रिमूव कर रहा हूं, उसमें भी प्रॉफिट आ चुका है। एमसीएक्स में रिमूव कर रहा हूं, इसमें भी प्रॉफिट आ चुका है। क्वेस्ट मैंने ओपन रखा है क्योंकि इसका ट्रेड ओपन है। एसबीआई में रिमूव कर देता हूं, भारतीय एयरटेल में रिमूव कर देता हूं, करेक्ट। सो ये ओपन पोजिशन है क्वेस्ट का। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स बीटीएसटी एसटीबीटी के लिए। सो आर यू ऑल रेडी? पहले निफ्टी का डेली कैंडल देखेंगे क्या फॉर्म हो रहा है। बैंक निफ्टी का डेली कैंडल देखेंगे क्या फॉर्म हो रहा है। निफ्टी का थोड़ा सा ट्रिकी कैंडल है, निफ्टी का थोड़ा सा ट्रिकी कैंडल है। बैंक निफ्टी का तो फिर भी स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी मैंने आपको क्लियरली बोला था कि शॉर्ट मत करना, करेक्ट। बैंक निफ्टी मैंने आपको क्लियरली बोला शॉर्ट मत करना, बट निफ्टी मैंने आपको क्लियरली बोला था निफ्टी में आप शॉर्ट पोजिशंस बना सकते हो, निफ्टी में शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, करेक्ट। अब हम लोग स्टॉक डिस्कस करते हैं, जस्ट वेट ऑन मिनट, स्टॉक डिस्कस करते हैं। पहले हम लोग वॉल्यूम स्कैनिंग कर लेते हैं, कौन सा स्टॉक वॉल्यूम स्कैन में आ रहा है। यस, बलरामपुर चीनी भाग गया, करेक्ट। बलरामपुर चीनी में रिवर्सल आ चुका है, बलरामपुर चीनी भाग गया है, बलरामपुर चीनी रडार पर रखेंगे। दो तीन स्टॉक रडार पर आए हैं, वेट ऑन मिनट। जीएमडीसी एनएमडीसी आया है, आईडीबीआई आया है, एनएमडीसी आईडीबीआई बलरामपुर चीनी, ठीक है। एनएमडीसी आईडीबीआई बलरामपुर चीनी, एनएमडीसी है, आईडीबीआई है और बलरामपुर चीनी है। यस, बलरामपुर चीनी हम लोगों ने कल ही इसमें एसटीबीटी किया था, करेक्ट। बलरामपुर चीनी में कल ही एसटीबीटी किया था, राइट। इसमें आपको प्रॉफिट भी आया होगा, फेवर में भी था ये ट्रेड, फेवर में भी था, करेक्ट ट्रेड। यस, 418 या 19 के आसपास मैंने दिया था, 411-11-12 के आसपास का लो बनाया और इसमें प्रॉफिट आया, एसटीबीटी में प्रॉफिट आ चुका है और फिर अब रिवर्स हुआ है, अब इसमें ब्रेकआउट है। यस मिस्टर आंसर, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेंज बहुत बड़ा है, खाली आपको थोड़ा मोबाइल पे से ट्रैकिंग करना पड़ेगा बस, रेंज बहुत बड़ा है। अच्छा, इसमें आवरली चार्ट पे क्लियर ब्रेकआउट है बलरामपुर चीनी में, तो बलरामपुर चीनी में हम लोग बीटीएसटी कर सकते हैं, आंसर इज यस। इसका मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ थोड़ी देर में, जस्ट वेट ऑन मिनट। इसमें हम लोग इजिली बीटीएसटी कर सकते हैं, 460 का तो इजिली टारगेट लग रहा है और अगर ये चलेगा तो 500 का मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बेसिस पे टारगेट दिया हुआ है, अगर आपको याद है, याद है ना, 500 का इन्वेस्टमेंट बेसिस का टारगेट है बलरामपुर चीनी, करेक्ट। तो इसके ऊपर ध्यान देंगे, बलरामपुर चीनी के ऊपर। आईडीबीआई में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, इसमें डोजी कैंडल बना है तो इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। एनएमडीसी में ब्रेकआउट है, आंसर इज यस, एनएमडीसी में क्लियर ब्रेकआउट है। एनएमडीसी हम लोग ने डिस्कस किया था क्या? ऑलरेडी मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया हुआ है, हैव वी डिस्कस एनएमडीसी? एनएमडीसी डिस्कस किया था हम लोगों ने, आई थिंक हम लोगों ने एनएमडीसी डिस्कस किया था क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया हुआ है,
कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, कल के वेबिनार में, अगर आपको याद है। यस, कल के वेबिनार में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और ये ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक किया हुआ है, ब्रेकआउट किया हुआ है। एक मिनट है, कल हम लोगों ने ट्रेड लिया था क्या LMDC में? कल हम लोगों ने ट्रेड आई थिंक नहीं, ट्रेड नहीं लिया हम लोगों ने, बट यस ट्रेड लिया है ना हम लोगों ने, करेक्ट। सॉरी सॉरी, BTST लिया हुआ है हम लोगों ने। यस, BTST हम लोगों ने मैसेज दिया था, राइट? NMDC में ही BTST लिया था ना। यस, इसमें आपको प्रॉफिट आया होगा BTST में। ये देखो, NMDC का BTST मैसेज दिया था मैंने, राइट? NMDC BTST किया था हम लोगों ने। यस, ये 1 फरवरी को लिया था हम लोगों ने, राइट? 1 फरवरी को लिया था, करेक्ट। बलरामपुर चीनी में ट्रेड लेंगे हम लोग अभी BTST का। ये क्लियर ट्रेड है। NMDC भी और चलेगा, NMDC में 7-8 रुपए का मूवमेंट और आ सकता है। तो बलरामपुर चीनी पहले ट्रेड लेते हैं, उसके बाद में हम लोग ये ट्रेड लेंगे। BTST ट्रेड ले रहे हैं पहले बलरामपुर चीनी। स्टॉप लॉस टारगेट पहले लिख लेते हैं, वेट 1 मिनट। NMDC अभी और चलेगा, ट्रेलिंग SL करना है इसमें, 160 170 तक जा सकता है ये, और चलेगा NMDC अभी तक। इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आता है बलरामपुर चीनी का, और टारगेट भी उतना ही बड़ा है। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है बट टारगेट भी उतना ही बड़ा है। मैसेज किया मैंने, चेक कर लो आप। BTST दिया है बलरामपुर चीनी भाई, चेक कर लो मैसेज। यस, और कोई स्टॉक देखते हैं, और कोई रडार पर है क्या? बलरामपुर चीनी तो क्लियर BTST ट्रेड है। NMDC मिस मत करना, NMDC यहाँ से 160 170 तक का टारगेट दिया है, ठीक है? ये कैश सेगमेंट में, हाँ कैश सेगमेंट में, कैश सेगमेंट में ये सारे BTST ट्रेड कैश सेगमेंट वाले। फ्यूचर में कोई ट्रेड नहीं लेना है, BTST ट्रेड सब कैश सेगमेंट वाले। अच्छा, अगर आपको पता नहीं है, अलाइज ब्लू में आपको T+5 मार्जिन मिलता है, 5 टाइम्स मार्जिन मिलता है। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपए अगर बैंक अकाउंट में है, तो आप 5 लाख रुपए तक का कैरी फॉरवर्ड पोजीशन ले सकते हो 5 दिन के लिए। इज दैट पार्ट क्लियर? T+5 बेसिस आपको लिमिट मिलता है 5 टाइम्स, ये सिर्फ अलाइज ब्लू में मिलता है। यस, तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर लो अलाइज ब्लू में, उसमें ट्रेड करना चालू करो, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां पर आपको 5 टाइम्स लिमिट मिल जाएगा, ठीक है? और स्कैनिंग करते हैं, अगर और कोई स्टॉक मिल रहा है क्या? वॉल्यूम के हिसाब से तो यही है, फ्यूचर रिटेल शॉर्ट है। शॉर्ट वाला ट्रेड देखते हैं, अगर कोई शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है क्या? शॉर्ट वाले स्टॉक्स भी रेडार पर नहीं है, क्या बात है? अभी रिसेंटली नहीं है, मॉर्निंग से तो है लेकिन रिसेंटली नहीं है। चलो, और कोई डेली पे भी देख लेते हैं, कोई स्टॉक है क्या? MCX आया है, ठीक है। MCX तो हम लोगों ने ऑलरेडी शॉर्ट किया ही हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं। आवरली पे कोई सेल में नहीं है, आवरली पे बाय में है कोई? बाय वाला देखते हैं। यस, बलरामपुर चीनी आया अभी बाय, और एक स्टॉक आया EID पेरी। अच्छा, प्राज आया है, चलो प्राज भी आया, EID पेरी भी आया, तो प्राज सबसे पहले देखेंगे। प्राज इंडस्ट्रीज चलेगा, प्राज इंडस्ट्रीज पे भी मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट 500+ का है। प्राज भी BTST, हाँ प्राज भी ले लो BTST, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा BTST ट्रेड है प्राज भी, इसको भी मिस नहीं करना है। एक्चुअली इसको थोड़ा स्विंग ट्रेड लेते हैं, प्राज को BTST नहीं लेते हैं, स्विंग वाला ट्रेड लेते हैं थोड़ा।
थोड़ा सा स्विंग ट्रेड लेते हैं इसमें, फ्लैट चलेगा। बाय प्राज इंडस्ट्रीज, मैंने मैसेज किया है, चेक कर लो आप। प्राज इंडस्ट्रीज का मैंने मैसेज किया है, चेक कर लो, ये भी मिला होगा प्राज इंडस्ट्रीज। ईआरडी पेरी भी चेक करेंगे, ईआरडी पेरी अगर कोई मिल रहा है तो, अदरवाइज कोई शॉर्ट वाला ट्रेड भी देखेंगे। शॉर्ट वाले ट्रेड के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ईआरडी पेरी आया है रेडार पर, ये स्टॉक आया है, नहीं ये स्टॉक में इतना कन्विक्शन चार्ट नहीं है तो इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, इसमें इतना कन्विक्शन चार्ट नहीं है। तो दो ही स्टॉक है अभी रेडार पर, बलरामपुर चीनी और प्राज इंडस्ट्रीज, ये दो स्टॉक रेडार पर है। ये दो स्टॉक में बीटीएसटी किया है हम लोगों ने। आईआरसीटीसी में ना, आईआरसीटीसी में 900 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है अगर ये 900 का लेवल क्रॉस कर लेगा तो और ऊपर जाएगा, ऐसा है। अगर आप स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट पूछ रहे हो मिस्टर आंसर, तो 500 का टारगेट है बलरामपुर चीनी, 500 का टारगेट है। प्राज का भी 500 का टारगेट है, 500 का टारगेट है स्विंग ट्रेड के हिसाब से। निफ्टी बैंक निफ्टी में अभी क्लियर व्यू नहीं है, थोड़ा साइडवेज रहना पड़ेगा। मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी अब थोड़ा साइडवेज रहेगा। जो हमारा टारगेट था 17600 का टारगेट, मैं कल से आपको बोल रहा था निफ्टी में 17600 का टारगेट है, अगर आपको याद है। कल आफ्टरनून वाले वेबिनार में भी बोला मैंने, आज मॉर्निंग में भी क्लियरली बोला, शॉर्ट करो, 17600 का टारगेट है, करेक्ट। तो निफ्टी का हमारा जो 17600 का टारगेट है वो तो अचीव हो चुका है, अब थोड़ा साइडवेज लग रहा है, यहाँ से रेंज बाउंड लग रहा है। तो आज के डेट में हम लोग कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं लेंगे इंडेक्स में, इंडेक्स में डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है, सिर्फ बीटीएसटी पे ध्यान देंगे। हाई कन्विक्शन बीटीएसटी ट्रेड लेना है, हाई कन्विक्शन एसटीबीटी ट्रेड लेना है, बस इसी पे ध्यान देंगे। आज मैंने आपको चार ट्रेड दिया, चारों में आपको प्रॉफिट आया होगा, करेक्ट। मिस्टर विक्रांत आर यू अटेंडिंग द वेबिनार, चार ट्रेड लिया, चारों में प्रॉफिट आया, करेक्ट। बीडीएल में प्रॉफिट आया होगा, एमसीएक्स में प्रॉफिट आया होगा, मिस्टर नीलेश, करेक्ट, और टाटा कंज्यूमर में भी प्रॉफिट आया होगा। क्वेस अभी भी ओपन है, क्वेस वाला ट्रेड अभी भी ओपन है, बाकी तीनों में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आया होगा, टाटा कंज्यूमर, बीडीएल और ये एमसीएक्स, करेक्ट। मिस्टर विक्रांत आई होप ऑल ऑफ यू ट्रैक ऑल थ्री स्टॉक्स, आपने ट्रैक किया होगा। आपको ये ट्रेड मिला बलरामपुर चीनी और प्राच, दोनों बीटीएससी दिया है अभी। मिस्टर नीलेश, मिस्टर श्रीराम, मिस्टर विक्रांत, रुचिराम मिस्त्री, हैव यू रिसीव्ड द ट्रेड, प्लीज रिप्लाई, मिला है ट्रेड, ओके। निफ्टी मैंने आपको क्लियरली शॉर्ट करने बोला था, 17600 का टारगेट मैंने क्लियरली बोला था मॉर्निंग वेबिनार में, कल आफ्टरनून वेबिनार में भी यही टारगेट दिया था और वो टारगेट परफेक्टली अचीव हुआ है। अब निफ्टी बैंक निफ्टी में यहाँ से साइडवेज व्यू है, क्लियर डायरेक्शनल व्यू नहीं है, करेक्ट, क्लियर डायरेक्शनल व्यू नहीं है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा वेट करेंगे, डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू, आज मेरे 14,000 सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब चैनल पे। सो जितना हो सके जहाँ तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स अ लॉट, 14,000 सब्सक्राइबर हुए इसलिए। एनएमडीसी भी दो परसों ही मैंने बाय दिया था, करेक्ट, आपको याद होगा ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया था और उसका 160 170 का तक का टारगेट है। 160 तक का मैंने आपको टारगेट दिया था, 155 160, बट ये 170 तक भी जा सकता है, ये जो गैप है ना, ये गैप फिलअप कर सकता है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा,
168-170 तक जा सकता है इजीली, तो इसके ऊपर जरूर ध्यान देना। NMDC ये मैंने परसों बाय किया था, आप मेरा मैसेज चेक कर सकते हो व्हाट्सएप पे, परसों मैंने बाय दिया था ये। स्क्वेश वाला ट्रेड ओपन है अभी तक का, बाय है ओपन है। सिर्फ हाई कन्विक्शन ट्रेड लेंगे हम लोग, इंडेक्स में आज डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेंगे। इंडेक्स में हमारा टारगेट अचीव हो चुका, डायरेक्शनल ट्रेड अब नहीं लेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। सिर्फ हाई कन्विक्शन BTST SCBT ट्रेड लेंगे। प्राज लिया है, बलरामपुर चीनी लिया है, अब मैं कोई शॉर्ट ट्रेड देख रहा हूँ, अगर कोई शॉर्ट ट्रेड रेडार पर आता है तो। MCX है अभी, तो MCX में हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट किया है, तो MCX वापस शॉर्ट नहीं करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे दूसरा स्टॉक के लिए। ना इंडेक्स में मेरा व्यू अभी तक बेरिश नहीं है, बेरिश अभी तक लग रहा नहीं है, नहीं बेरिश तो अभी करना नहीं है, बट साइडवेज है अभी, रेंज बाउंड है यहाँ से, मुझे मुझे नहीं लग रहा यहाँ से कुछ बड़ा मूवमेंट आने वाला है, थोड़ा साइडवेज है, रेंज बाउंड है। कल पता चलेगा क्या डायरेक्शन है, क्योंकि कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो वापस से अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, दैट इज श्योर। गैप डाउन होता है तो फिर थोड़ा लेवल्स चेक करना पड़ेगा। तो कल मॉर्निंग 11-12 बजे तक पता चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से, फर्दर डायरेक्शन क्या है। स्टॉक स्कैनिंग करते हैं अगर कोई शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है क्या। दो बाय ट्रेड लिए हम लोग ने BTST, एक शॉर्ट ट्रेड अगर मिल जाता है तो परफेक्ट हमारा हेजिंग वाला ट्रेड हो जाएगा BTST में। देखते हैं अगर और कोई शॉर्ट ट्रेड मिल रहा है क्या। अंबर करके एक स्टॉक आया, वेरिएंट ORG आया, ठीक है ठीक है, अंबर करके एक स्टॉक देखते हैं, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया उसमें तो। बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया, ये वाला स्टॉक है AMBER, अंबर एंटरप्राइज, इसमें काफी बड़ा ब्रेकआउट आया है, दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है ये, देखो फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट है इसमें, ये पोल है, ये फ्लैग है, और ये यहाँ पे फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट आया है इसमें क्लियरली, और वॉल्यूम देखो, दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन, प्लीज रिप्लाई। बट स्टॉक का प्राइस बहुत बड़ा है एक्चुअली, 38,900 है, स्क्रीन दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। लर्निंग के हिसाब से स्क्रीन दिख रहा है ना, फ्लैग पैटर्न क्लियरली है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है इसका। अगर हम लोग डेली चार्ट और वीकली चार्ट देखते हैं क्या होता है, डेली चार्ट पे भी क्लियर ब्रेकआउट है, इसने ये वाला रेजिस्टेंस भी ब्रेक कर दिया, यू कैन सी हियर, काफी अच्छा रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। आई थिंक ये 52 वीक हाई के आसपास भी आ चुका है, वीकली चार्ट देखते हैं, यस 52 वीक हाई है इसमें, बहुत बड़ा ब्रेकआउट है और बड़ा टारगेट आएगा इसमें, 5,000 तक का टारगेट आता है इसमें, 5,000 तक का इजीली टारगेट है, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट है, अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो देन इट्स अ बेस्ट स्टॉक, ये 1-2 हफ्ते के लिए या 1 महीने के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर दो, डेफिनेटली इसमें बड़ा मोमेंट आएगा। ये देखो यहाँ पर बड़ा रैली था, कंसोलिडेट हुआ है, अब वापस रैली चालू हुआ है, तो ये इजीली यहाँ से 5,000 तो मिनिमम टारगेट बता रहा हूँ मैं, कंजर्वेटिव टारगेट, ये यहाँ से डबल भी हो सकता है, 7-8 हज़ार का भी टारगेट आ सकता है इसमें, क्योंकि ये रैली जो है ना ये एज इट इज यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो ये करंट मार्केट प्राइस से डबल भी हो सकता है, डबल, हाँ डबल भी हो सकता है, लिख लो चाहिए तो, इसका मैं मैसेज कर रहा हूँ, वेट 1 मिनट, डबल भी हो सकता है, ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट है इसमें, मैसेज कर रहा हूँ मैं, अंबर स्टॉक का नाम है, इसका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा आएगा, ठीक है, टारगेट 5,000, इसका मैंने मैसेज किया है,
चेक कर लो, मैसेज मिला है क्या, चेक कर लो। हाँ चेक कर लो, आपको मैसेज मिला होगा। बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, बहुत मतलब इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा है, वीकली चार्ट का स्ट्रक्चर। ये वीकली ब्रेकआउट है, डेली भी नहीं है, वीकली ब्रेकआउट है, तो इसलिए बोल रहा हूँ इसमें बहुत बड़ा टारगेट आ सकता है। इसको ऐड जरूर करके रखना, 3900 के आसपास हम लोग ने बाई किया इसको, इसको पोर्टफोलियो में जरूर ऐड कर लो, ANBER, इसको ऐड कर लो ये लेवल के आसपास। इट्स अ वेरी गुड ब्रेकआउट। और देखते हैं, 3 बजे का कैंडल के लिए वेट करते हैं, उसके बाद स्कैनिंग करेंगे। यस, बैंक निफ्टी थोड़ा नीचे आने लगा है अभी, 35,000 लोएस्ट लोएस्ट लेवल पे आ गया बैंक निफ्टी। बट बैंक निफ्टी ने यहाँ से यहाँ पे फंसाया, अगर आपने देखा हो तो, इसलिए मैं आपको बोला था बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करना। ये देखो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट करते ना, तो आप ये ग्रीन कैंडल में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता और आप फंस जाते। दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल रहा था बैंक निफ्टी शॉर्ट मत करना, निफ्टी शॉर्ट करो बिंदास। निफ्टी में कोई ऐसा पैटर्न नहीं बना, निफ्टी क्लियरली शॉर्ट है। यस, प्राज इंडस्ट्रीज, पैनिक नहीं होना आपको, बहुत अच्छा ब्रेकआउट है उसमें, तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। BTST ट्रेड है ये सब, बलरामपुर चीनी और प्राज, ये दोनों बहुत जबरदस्त चलते हैं, चलते हैं तभी 5-5 टका डेली डेली बेसिस पे चलते हैं ऐसे स्टॉक है। पैनिक नहीं होना ये सब स्टॉक में, जस्ट अ मिनट। हाँ अच्छा, आपको पता होगा मैं खिलाड़ी नंबर वन शो अभी रिसेंटली मैंने जीता था, यस और नो? तो अभी वापस मैं खिलाड़ी नंबर वन शो खेलने वाला हूँ। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट, आई होप ऑल ऑफ यू सीन दैट, करेक्ट? तो वापस मैं भी सेकेंड वीक में या थर्ड थर्ड वीक ऑफ फेब में खिलाड़ी नंबर वन शो वापस खेलने वाला हूँ CNBC आवाज पे। थोड़ा वेट करते हैं, 3 बजे का कैंडल फॉर्म होने दो, उसके बाद ट्रेड लेंगे, थोड़ा वेट करते हैं। जो मैंने आपको दिया है वो सेफ स्ट्रैटेजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, बहुत सेफ स्ट्रैटेजी है। कोई इवेंट भी नहीं है अभी आने वाले डेज में, बजट वगैरह सब हो गया है, सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू ट्रेड, बेस्ट टाइम टू ट्रेड है, काफी अच्छा स्ट्रैटेजी है। सिनारियो बनाया ना मिस्टर अंसल, सिनारियो बना लो एक्सेल शीट में, सिनारियो बना लो, तो एटलीस्ट आपको समझ में आएगा क्या प्रॉफिट रेंज है। कस्टमाइज स्ट्रैटेजी है, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इट्स अ कस्टमाइज स्ट्रैटेजी, ऑप्शंस लेवल 2 का स्ट्रैटेजी है वो,
वैसा और भी चार पांच स्ट्रैटेजी मैंने सिखाया है, ऑप्शंस लेवल टू का स्ट्रैटेजी है वो। लेवल टू अगर आपने कोर्स किया उसका स्ट्रैटेजी है वो। स्कैनिंग करते हैं, अगर कोई शॉर्ट ट्रेड एक मिल जाता है ना तो और ज्यादा बेटर है। चलो एक ट्रेड आया है शॉर्ट, इनफैक्ट दो ट्रेड आए हैं शॉर्ट, वेरी गुड। चलो एसटीबीटी भी दो ट्रेड आपको मिलेंगे आज, इसका मतलब दो एसटीबीटी ट्रेड मिलेंगे। सही है, दो एसटीबीटी ट्रेड है अभी। एक तो है एमएनएम, एमएनएम शॉर्ट आया है, आंसर इज यस, एमएनएम शॉर्ट आया है, एमएनएम में शॉर्ट कर सकते हैं। ये ब्रेकडाउन दिया है, करेक्ट ब्रेकडाउन दिया है इसने, एमएनएम शॉर्ट है। और एक बाटा इंडिया शॉर्ट है, बाटा इंडिया यहाँ तक आ सकता है, बाटा इंडिया में ज्यादा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कम टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं, मतलब छोटे टारगेट के लिए। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं, अगर बेटर प्राइस पे मिलता है तो शॉर्ट करेंगे, और नहीं तो काम करते हैं ट्रेड ले लेते हैं। बीटीएससी ट्रेड है, छोटे टारगेट्स के लिए ट्रेड है ये। ठीक है, बाटा इंडिया चेक कर लेते हैं और ट्रेड लेते हैं, बाटा इंडिया, वेट वन मिनट, एसटीबीटी, बाटा इंडिया, एकदम छोटे स्टॉप लॉस के साथ दे रहा हूं मैं ट्रेड, और टारगेट भी छोटा ही है इसका, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड है ये। बाटा इंडिया मैंने एसटीबीटी ट्रेड दिया है, एमएनएम भी ट्रेड लेंगे, आंसर इज यस, एमएनएम में भी ट्रेड लेंगे हम लोग, बट नहीं रहने दो, एमएनएम इतना इतना ये नहीं लग रहा है एमएनएम, क्योंकि ये जो ग्रीन एरिया है ना इसी के आसपास है, ये थोड़ा रिस्की ट्रेड होगा एमएनएम, एमएनएम इग्नोर करते हैं, एमएनएम ट्रेड नहीं लेंगे हम लोग। बाटा इंडिया थोड़ा लग रहा है परफेक्ट शॉट है, बाटा इंडिया में आ सकता है फॉल, ये सपोर्ट लेवल ब्रेक किया इसने, ये एच डब्ल्यू कैंडल है, अगर आपको याद है ये एच डब्ल्यू कैंडल है, इसका लो ब्रेक किया इसने तो एक फॉल आ सकता है, 20-25 रुपए का फॉल आ सकता है। सो दो बाय वाला बीटीएसटी लिए, एक सेल वाला एसटीबीटी लिए बाटा, और कोई ट्रेड आया नहीं अभी तक, थोड़ा वेट करेंगे। एमएनएम एग्जैक्टली उस प्रॉफिट बाइंग जोन के आसपास है ना, इसलिए नहीं लिया हम लोगों ने, देखते और कोई ट्रेड है क्या, नहीं सिर्फ बाटा ही है, सिर्फ बाटा ही ट्रेड लेंगे बस, बाटा ही परफेक्ट लग रहा है, एमएनएम तो परफेक्ट नहीं है। मैंने आज ज्यादा ट्रेड नहीं किया, मेरा यहाँ पर ये अकाउंट में कुछ ओपन पोजिशन है, ये अकाउंट में थोड़ा ओपन पोजिशन नहीं, मिस्टर आंसर पुट मत लो क्योंकि इतना बड़ा टारगेट नहीं लग रहा है, ये सिर्फ 20-25 रुपए का टारगेट के लिए, पुट ले पुट मत लो उससे, चाह कुछ कॉल वगैरह शॉर्ट कर दो वो ज्यादा अच्छा है, 20-25 रुपए का ही टारगेट है इसमें, ज्यादा टारगेट नहीं है ये, देखो तो यहाँ पर ये सपोर्ट है, इससे ज्यादा टारगेट एक्सपेक्ट मत करना, ये सपोर्ट एरिया है, इसके आसपास आके अटक जाएगा ये, इससे नीचे नहीं लगता है, 1970-1960 बस यही टारगेट है। मैंने आज ज्यादा ट्रेड नहीं लिया है, मेरा यहाँ पर इंट्राडे पोजीशन 10,000 के आसपास कुछ प्रॉफिट है, 9,900, और मेरा ये अकाउंट में कुछ ओपन पोजीशन है उसमें थोड़ा एमटीएम लग रहा है, लेकिन अभी रिकवर हो चुका है एमटीएम, क्योंकि मॉर्निंग में मैं थोड़ा शॉर्ट में था, अब निफ्टी गिर गया तो फिर रिकवर हो चुका है, अभी इतना एमटीएम नहीं है।
IRCTC पे ज्यादा फोकस करना, IRCTC पे थोड़ा फोकस करना, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डेली चार्ट देखो ना, बहुत दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, ये पूरा 3-4 महीने का कंसोलिडेशन है आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, और मुझे लग रहा है कि ये अक्टूबर से कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जब से इसमें वो जो बोनस इशू या जो भी स्प्लिट आया था, अक्टूबर से ये कंसोलिडेट कर रहा है, और ये जब चलेगा ना तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर की तरफ, 1100-1200 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो IRCTC ये रेट के आसपास जरूर जमा कर लेना, मतलब थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहो IRCTC, यहाँ से 1100-1200 तक का टारगेट लगता है वन वे, हाँ इजिली एकदम, तो एक्यूमुलेशन करो उसको। वन वे टारगेट है IRCTC, बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, ये 900 के पार निकला ना तो 200-250 रुपया एक हफ्ते में भाग जाएगा, ये फिर रुकेगा नहीं, एक्यूमुलेशन बहुत हो रहा है उसमें, एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है उसमें, ये प्राइस बैंड में बहुत बाइंग हो रहा है उसमें, रोज वॉल्यूम होता है, फिर बाद में उसी के आसपास प्राइजेस रह जाता है, वापस वॉल्यूम होता है, ऐसा स्टोरी हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है उसमें, इट इज क्लियरली विजिबल है। यस, बैंक निफ्टी, निफ्टी एकदम डे लोवेस्ट पे एक्सपायर हो रहा है, निफ्टी तो मेरे को लग क्लियरली पता ही था कि निफ्टी यहाँ पे एक्सपायर होगा, 17600 मैंने आपको टारगेट बोला ही था, बैंक निफ्टी मुझे इतना नहीं लग रहा, बैंक निफ्टी मुझे अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, इट कैन रिकवर वेरी फास्ट, 39,000 से नीचे गया ही नहीं है बैंक निफ्टी, इट कैन रिकवर वेरी फास्ट, हाँ बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा ध्यान देना। निफ्टी भी एकदम बेरिश नहीं है, निफ्टी अभी रेंज बाउंड है, बेरिश नहीं है, ये देखो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे लिखा है, 17500 के नीचे गया तो बेरिश होगा, 17500 के जब तक 17500 होल्ड कर रहा है, इसका मतलब वापस ऊपर अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, तो निफ्टी बेरिश नहीं है, इतना एक जरूर नोट डाउन कर लो, शॉर्ट मत करना, मतलब पोजिशनली शॉर्ट मत करना, कैरी फॉरवर्ड शॉर्ट वगैरह मत करना, इतना एक्सट्रीमली नेगेटिव बेरिश नहीं है। यस, बलरामपुर चीनी डे हाई, बलरामपुर चीनी चलना चालू हुआ, डे हाई है 446, दिख रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई, बलरामपुर चीनी चलना चालू हुआ 447, आर यू ऑल वॉचिंग, प्लीज रिप्लाई, बलरामपुर चीनी भागना स्टार्ट हुआ, बलरामपुर चीनी भागना चालू हुआ है, देखो बैंक निफ्टी भी देखो फटाक करके रिकवर होता है, 39,000 का लो बना है फिर वापस रिकवर, 100 पॉइंट रिकवर हो चुका है, ये क्वेस्ट भी चलेगा, इतना मार्केट गिरा है फिर भी ये क्वेस्ट देखो 2-3 रुपया भी नहीं गिरा है क्वेस्ट, ये भी चलेगा, इसके ऊपर भी जरूर ध्यान देना, इसका पैटर्न बहुत अच्छा है, और ये देखो यहाँ पर काफी अच्छा बाइंग अभी भी होल्ड कर रहा है, ये एक और कैंडल बना सकता है, 780-790 तक इजीली जा सकता है क्वेस्ट, इसके ऊपर जरूर ध्यान देना, मिड कैप काउंटर है फिर भी गिरा नहीं है वो। यस, बलरामपुर चीनी अभी मैंने बाय दिया है 447 नाउ, ये चल रहा है, प्राज इंडस्ट्रीज होल्ड करना है, यस पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, पैनिक किसी में भी नहीं होना है,
मंथली वाली स्ट्रैटेजी में आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। व्हाट इज द एमटीएम, टेल मी द एमटीएम फर्स्ट मिस्टर विशाल। मिस्टर विशाल आपने ये किया है ना, लेवल टू किया है राइट? तो मंथली वाला स्ट्रैटेजी में ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है, ये तो आपने रेशियो स्प्रेड किया है मिस्टर विशाल। जो आपने मंथली स्ट्रैटेजी किया है वो तो आपने रेशियो स्प्रेड किया है। जो लेवल टू में सिखाया वो आपने स्ट्रैटेजी नहीं किया है मंथली वाला। ऑप्शंस लेवल टू कोर्स जो है उसमें मंथली स्ट्रैटेजी मैंने सेपरेटली सिखाया है, स्पेसिफिकली सिखाया है। वो देखो आप, वो आपको करना है मंथली स्ट्रैटेजी में। ये तो आपने बेसिक नॉर्मल रेशियो स्प्रेड किया है। हाँ तो ये बेसिक नॉर्मल रेशियो स्प्रेड है, इसमें आपको पैनिक होने का जरूरत नहीं है। एमटीएम कितना है मुझे वो बताओ। व्हाट इज द एमटीएम? फेब सीरीज का है करेक्ट। एमटीएम कितना है? 19,000 के आसपास काफी अच्छा प्रॉफिट आएगा इसमें। एमटीएम कितना है अभी? यस होल्ड करना है, होल्ड करना है करेक्ट। एमटीएम मुझे बता दो बस, 2,500 ठीक है चलेगा, होल्ड करो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां से 18,000 के ऊपर जाने लगा आपको काफी अच्छा प्रॉफिट आना चालू हो जाएगा। और अभी भी वापस बोल रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी साइडवेज है, क्लियर डायरेक्शन नहीं है। यस यस मिस्टर विशाल, 2,500 का लॉस है ना, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं है। आई थिंक आपका लॉस कम हुआ रहेगा राइट? पहले इससे ज्यादा लॉस था सर विशाल, पहले इससे ज्यादा लॉस था राइट? अभी लॉस कम हो रहा है करेक्ट। हाँ यस मिस्टर आंसर आप कर सकते हो। क्वेस्ट पे ध्यान देना, ये वाले स्टॉक पे, इसको मार्केट वॉच में ऐड कर लो। ये यहां तक इजीली जा सकता है, 780 790 तक इजीली टारगेट लगता है क्वेस्ट। और ये मैंने अंबर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से दिया है, इसके ऊपर भी ध्यान दो। ये देखो ये भी डे हाई पे आ चुका है करेक्ट मिस्टर आंसर। क्रेडिट स्प्रेड में इतना बड़ा गैप नहीं रखना है, इतना बड़ा गैप नहीं है, 50-60 पॉइंट का गैप रखो, इतना बड़ा गैप मत रखो क्रेडिट स्प्रेड में। बट स्ट्रिक्टली एसटीबीटी, एसटीबीटी का मतलब कल मॉर्निंग में आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस है स्क्वायर ऑफ करना है, सुबह 9:30-10 बजे के पहले पहले आपको स्क्वायर ऑफ कर देना है, पूरा दिन वेट मत करना, स्ट्रिक्टली एसटीबीटी ट्रेड है वो। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों मुझे साइडवेज लग रहा है, कोई ज्यादा ये नहीं है। वेबिनार एंड करते हैं, कल मॉर्निंग वाले वेबिनार में मिलते हैं, कल फ्राइडे है ना, ठीक है कल मॉर्निंग वेबिनार में मिलते हैं। कल देखेंगे अगर मॉर्निंग में कोई अच्छा ट्रेड मिलता है क्या, और जैसे आज काफी अच्छा प्रॉफिटेबल डे था, कल देखेंगे। बलरामपुर चीनी पे ध्यान देना, इसमें मूवमेंट आ सकता है और इसमें गैप अप ओपनिंग हो सकता है, लास्ट मोमेंट पे भी बाइंग है इसमें, ठीक है। सो हैप्पी ट्रेडिंग ऑल ऑफ यू, कल सुबह मिलते हैं 9:30 बजे।